अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी के बने रहने की मांग को लेकर गुरुवार को भागलपुर कांग्रेस भवन में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शारिक खान नवाब ने अपने खून से पत्र लिखकर राहुल गांधी से अध्यक्ष पद पर बने रहने का आग्रह किया। इस दौरान अपने रक्त की स्याही बनाकर पत्र लिखते हुए शारिक खान ने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी की जरूरत है और पार्टी के युवा कार्यकर्ता उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, इसलिए संगठन के हित में राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर बने रहें और अपने आने वाले चुनाव में पार्टी उनके नेतृत्व में बेहतर मुकाम हासिल करेगी। गौरतलब हो कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने की बात कही थी और तभी से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी को मनाने में जुटे हैं। जो है राहुल गांधी जी को अपना अपना ब्लड, अपना लहू, अपना खून से, अपने खून से एक आग्रह पत्र लिखकर उनसे आग्रह करने का काम किया है कि आप जो है अपने पद पर स्थापित रहें और हम लोगों को आपको देखकर जो है एक ऊर्जा मिलता है, क्योंकि एक ऊर्जावान नेता हैं आप युवा नेता हैं, एक ऊर्जावान नेता हैं, आपके कार्यशैली को देखकर हम सब युवा प्रसन्न हैं। इसलिए मैं और हमारे पूरे बिहार के जितने भी युवा वर्ग के युवा कांग्रेसी और या फिर माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट हो या जितने भी युवा कांग्रेसी हैं, वो तमाम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहें।